हेलो, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई कि पाइनएप्पल को स्टोर कैसे करते हैं। तो पाइनएप्पल को स्टोर करने के लिए दो मेथड रहती है। एक तो इसे ड्राई तरीके से हम कर सकते हैं, और दूसरा हम इसे चाशनी बना के कर सकते हैं। तो जो हम चाशनी बनाते हैं उसको हम 6 7 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, और उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है। और ये मैं बिना प्रिजर्वेटिव के आपको कैसे स्टोर करते हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पाइनएप्पल लिए हैं, और तीनों पाइनएप्पल को मैंने उसकी आइस और स्किन दोनों निकाल दिए हैं। और अगर चाहो आपको घर पे नहीं निकालना तो बाजार में भी मिलते हैं, वो पूरी स्किन निकलेंगी और आइस निकलेंगी, वो भी आप ले सकते हो। इसको मैं इसे आप चाहो तो स्क्वायर में भी कट कर सकते हो। मैंने इसको राउंड में किया है क्योंकि मेरा मैक्सिमम यूज केक्स में होता है। और ये विदाउट प्रिजर्वेटिव से तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और ये 12 महीने से ज़्यादा भी ये फ्रीजर में रह जाता है। और अभी सीजन है पाइनएप्पल का, तो आपको आराम से बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे पाइनएप्पल। इसकी जो आइस है वो निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कई बार क्या होता है थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है इसमें। इसके लिए एक आपको अच्छा एयर टाइट कंटेनर चाहिए, तो आप कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर इसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको फ्रीजर में रखना है। जो कैन पाइनएप्पल जो बाजार में आते हैं उसके लिए हमें इसका बीच का जो है हिस्सा, ये साइड की जो आउटर लाइन है राउंड, वो निकाल देनी है, और बीच वाले हिस्से को हमें स्क्वायर में काट के उसके स्क्वायर पीस बनाने हैं। तो जो बाजार में मिलते हैं वो कैन पाइनएप्पल हो जाएंगे हमारे। मैंने यहाँ पे सारे राउंड में कट किए हैं। थोड़ा सा ये यहाँ से हार्ड है, और ये मैं एक दिन पहले लाई थी, थोड़े से कच्चे थे। इसको अगर आप कच्चे हो थोड़े से तो आप 1 2 दिन रखने के बाद जब वो पक जाए उसके बाद आप इसको काट के स्टोर कर सकते हैं। अब ये हो गए हमारे पाइनएप्पल, और ये मैंने कंटेनर लिया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक पीस रखते जाना है, और उसके ऊपर हमें शुगर जो है वो स्प्रिंकल करते जाना है। ये मैंने शुगर ली है, आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो हमें लेयर बनाते जाना है। ये मैंने लंबा कंटेनर लिया है, आप चाहो तो थोड़ा चौड़ा भी ले सकते हो, पर वो एयर टाइट होना चाहिए। आपको साल भर तक इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर जो है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और जब जब भी आपको इसका यूज करना हो तो उसको 1 घंटे पहले आप निकाल दीजिए, और माइक्रोवेव में उसको डीफ्रोस्ट कर दीजिए, ताकि जो एक्सेस उसमें वाटर रहेगा, चाशनी रहेगी, वो
वो निकल जाएंगे, और फिर अपसेट डाउन केक्स हैं और हलवे है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको। इजीली आप मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो और प्यूरी बना सकते हो आप। एक एक पीस पे हमें ये शुगर डालना है। आप जहां तक हो सके इसके लिए मोटी शुगर की जगह आप थोड़ी बारीक वाली आती है मीडियम साइज की, आप शुगर पाउडर इस्तेमाल मत कीजिए। ये सबसे सिंपल मेथड है और हेल्थी भी है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये लंबे समय तक अच्छी भी रहती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आप चाशनी बनाते हो उसमें पानी रहता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छी रह जाए, कई बार उसमें लग भी जाती है फफूंद। तो ये कंटेनर हमारा फुल हो गया है, और दूसरे जो पीसेस बचे थे वो मैंने ये कंटेनर में रख दिए हैं। और ये जो है कंटेनर में मेरे पिछले साल के जो है वो पाइनएप्पल है, आप देख सकते हो ये जो पाइनएप्पल है उसका कलर एकदम डार्क है, और ये जो हमने अभी स्टोर किया है उसका एकदम लाइट कलर है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ये कैन पाइनएप्पल है और ये अभी फ्रेश पाइनएप्पल है। मेरे वीडियो देखने के बाद उसको कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।